हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्या दोस्तों, आपके रील पर भी सिर्फ 15-20 व्यूज आते हैं और आप परेशान हो चुके हो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करते करते। आपने हर यूट्यूबर की वीडियोस पे देख लिया कि किस तरीके से रील वायरल करें, फिर भी आपके रील वायरल होने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों, ये रोना खत्म करो, आज से आपकी रील वायरल होना चालू हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना वीडियो। मैंने जितने भी अकाउंट बनाए हूँ उन सबको डिलीट कर दो, एक नया अकाउंट बनाओ, फिर देखो आपकी रील कैसे वायरल होती है। और ये तीन टिप मैं आपको दूंगा, और फोर्थ टिप आपको क्या है वो टिप नहीं होगी, वो एक बोनस टिप होगी, ठीक है। और वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से आपको अपने रील को तैयार करना है कि वो वायरल होने के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली टिप, ट्रेंडिंग ऑडियो, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढनी है। तो दोस्तों, जब भी आप रील स्क्रॉल करते हो आपने देखा होगा एक तीर का निशान नीचे बना हुआ आता है। आपको क्या करना है, उस तीर के निशान पर क्लिक करना है और उस ऑडियो पर वीडियो बनानी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर उस पर कम वीडियोस बने, जैसे 500-600 रील बनी है, तो फटाफट बना डालो दोस्तों, क्योंकि वही टाइम होता है रील के वायरल होने का। अगर फिर 2000-3000-50000 तक भी अगर कोई रील बना लेता है तो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे। सेकंड टिप, कोलेबरेशन। आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ कोलेबरेशन करना है। मान लो उसके 5000 फॉलोवर्स है और आपके सिर्फ 2000 फॉलोवर्स है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ कोलेबरेशन करना है। उससे क्या होगा, आपके 2000 फॉलोवर्स उसके अकाउंट पर पहुंच पाएंगे और उसके 5000 फॉलोवर्स आपके अकाउंट पर पहुंच पाएंगे। इससे क्या होगा, आपके रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और दोनों आईडी में से एक ना एक आईडी आपकी ग्रो हो जाएगी, आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपकी आईडी ग्रो हो जाएगी, तो इससे दोनों को फायदा हो सकता है। थर्ड टिप है वो शेयर अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपको अदर प्लेटफॉर्म पर अपने रील को अपलोड करना है। मान लो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, और आपका ये मोज आ रहा है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, उन पर भी अपने रील को अपलोड करना चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम के पीछे लग जाओ कि भाई इसी पे वायरल होना है, इसी पे वायरल होना है। अगर आप पॉपुलर एक भी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए ना, तो आपको कोई भी वायरल होने से नहीं रोक सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे भुवन बाम, बीबी के वाइंस, उनका सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था वो हुआ था फेसबुक पर। उसी वीडियो की वजह से उन्होंने लोगों ने पहचानना चालू करा था, और आप देख सकते हो आज वो कितने ज्यादा पॉपुलर है। तो आपको क्या करना है, अपने वीडियो को अदर प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करना है। और फोर्थ जो मैं आपको बोनस टिप देने वाला था वो ये है कि आपको खुद का कॉन्टेंट क्रिएट करना है। अगर आप में टैलेंट है और आप बना सकते हो खुद की तरफ से कॉन्टेंट, तो आपको जरूर से जरूर अपनी तरफ से ही कॉन्टेंट बनाना है, क्योंकि अपनी तरफ से जो कॉन्टेंट बनाता है ना, उसका जल्दी वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप किसी और की ऑडियो पर बनाते जा रहे हो वीडियोज, तो दोस्तों मेरे को ज्यादा फायदा लगता नहीं जिससे कुछ होगा, पर फिर भी अगर आप पे नहीं है टैलेंट तो आप वो कर सकते हो। मगर आप में अगर टैलेंट है तो आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि लोग उसे देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी एक ट्रेंडिंग पे ऑडियो चल रही है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। उस मैम ने सिर्फ इतना ही कहा था, वो रील वायरल हो चुकी है। उस पे दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े स्टार ने भी वीडियोस बना रखी है। तो आपको क्या करना है, खुद का कंटेंट बनाना है ताकि लोगों तक वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और हो सकता है आपकी कोई ना कोई इसमें से रील वायरल हो जाएगी। और अगर आपकी एक रील वायरल हो गई तो फिर धड़ल्ले से आपकी हर रील्स वायरल होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बोनस टिप नीचे कमेंट बॉक्स में बताऊं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।